मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने 4 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्कर बाइक से दूसरे को देने जा रहा था, पुलिस ने घेराव कर पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी की कमर से एक लोडेड पिस्टल मिली है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर भगवानपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बाइक से हथियार तस्करी कर रहे। भगवानपुरा थाना इंचार्ज और टीम ने घेराबंदी कर नानक उर्फ रमेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैग की तलाशी लेने पर 3 पिस्टल मिले हैं। आरोपी ने अपनी कार में लोडेड पिस्टल रख रखा था। मामला बिगड़ने पर वह फायर भी कर सकता था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 3 आरोपी फरार भी हो गए। भगवानपुरा थाना पुलिस की कार्यवाही का SDOP ने खुलासा किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र चौहान जो अभी नागावत SP साहब आए हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे से चेकिंग और ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि अपना जिला इस के कारण काफ़ी बदनाम भी है। ये पिस्टल वगैरह कट्टे वगैरह यहाँ पकड़ते रहते हैं, बनता रहता है। उसी तारतम्य में एक टीम बनी थी, TI थाना प्रभारी भगवानपुरा, और इनके साथ ये पहले से भी इस कार्य में लगे हुए थे और मेहनत कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना मिली इनको कि एक व्यक्ति ऐसे 4 कट्टे लेकर जा रहा है, तो उन्होंने उसको घेराबंदी करके पकड़ा और फिर इससे पूछा तो ये खुरमाबाद चेंदवा थाने में जो चाचरिया चौकी है उसका रहने वाला है और ये पिस्टल लेके बेचने जा रहा था। तो इसको हमारी टीम ने पकड़ा और उससे ये 4 पिस्टल और 1 राउंड इसको बरामद किया। अब क्या कार्रवाई होगी सर? अभी उससे और पूछताछ करेंगे और इससे जो भी लिंक होगा जहाँ से भी इसका और इसके जो साथी होंगे। कहाँ बेचने जा रहा है? नहीं, ये नहीं, अभी उसने नहीं बताया, उसको हमने पुलिस रिमांड में ले रखा है, उससे हम और पूछताछ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।